आज आज हम सब यहाँ सलमान खुर्शीद अहमद जी के द्वारा जो लिखा गया किताब है, जिसमें सबसे विवादास्पद बयान जो उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व को मानने वाले लोग ISIS और बोको हरम सरीखे जो इस्लामिक टेररिस्ट है उसके बराबर है। सलमान खुर्शीद जो कि स्वयं इस देश के कानून मंत्री रहे हैं, 1995 में भारत के न्यायाधीशों ने एक हिंदुत्व पर अपना जजमेंट दिया था, जिसमें कहा कि हिंदुत्व हिंदू धर्म से भी आगे बढ़ करके है और वह भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक जीवन शैली है। तो क्या संपूर्ण भारतीय जीवन शैली को वे इस्लामिक टेररिस्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? और एक और वो बात बोलते हैं कि किताब के 300 पन्ने आप पढ़ लीजिए, एक जगह हमने लिखा है। हमारा उनसे कहना है, हम भी कह रहे हैं सलमान खुर्शीद जी आप बहुत सुंदर हैं, सौम्य हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, विद्वान हैं, और उसके बाद MM- अगर गाली दे दिया जाए तो क्या होगा? मतलब पूरी आप तर्क देखिए, वो उनकी जहरीली सोच को बताता है कि उनके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है, और इसलिए यह पूरा हिंदू समाज के ऊपर और हिंदुस्तान और भारतीय जीवन पद्धति जो हजारों साल से पैदा हुई है, जिसमें सब लोग रहते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, इसलिए हम सब उनके खिलाफ़ यहाँ पर FIR करने आए हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जो है और दिग्विजय सिंह और चिदंबरम जी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उसका विस्तारीकरण किया, उसके भी खिलाफ़ हम लोगों ने यहाँ पर FIR के लिए मांग करने आए थे।